ये जो स्टार है वो क्यों लगाया है? मेरा कार्ड कहाँ है? ओके, हाँ, मैंने आप लोगों से आपके हवाले से ही पूछनी है बातें. मैं किसी और को नहीं स्टार दे रही. आप लोगों ने अपने आप को स्टार देना है जिंदगी के हर पहलू के हवाले से. फॉर एग्जाम्पल, बचपन से लेकर अब तक हर स्टेज पे कोई किसी स्टेज पे हीरो होता है, कोई किसी स्टेज पे हीरोइन होती है. सो आपको मुझे मतलब ये रेटिंग देनी है हमने, अपने आप को रेटिंग देनी है. ठीक है, मैं बताऊंगी किस किस पहलू पे. एक दूसरे को भी नहीं? नहीं नहीं, अपने अपने. मुझे आज का शो बहुत अच्छा लगा. ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है, इसे प्लीज कंटिन्यू कीजिए. आप नहीं फंसेंगे, फिक्र नहीं करें. जी, जी. हवा खाई में फंस जाते लोग. बचपन से लेके जवानी तक आपने अपने आप को रेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, पहले बचपन में एज स्टूडेंट हिना और आगा, तुम लोग अपने आप को क्या बचपन मतलब स्कूल में? स्कूल में, yes, स्कूल में, स्कूल में. आउट ऑफ 7 आई वुड से 5. हाँ हाँ, मतलब लाइक अबव एवरेज. हाँ, अबव एवरेज कह सकते, 50% से ऊपर. हाँ, हाँ, बिल्कुल. हाँ, हमेशा से? कॉलेज भी? कॉलेज के अंदर मेरा ध्यान थोड़ा सा आउट हो गया था. हाँ. पढ़ाई में, लेकिन स्कूल में जितनी मैंने पढ़ाई की वो अच्छी ही थी. चीटिंग शीटिंग कभी नहीं की? कभी फर्रा नहीं बनाया? एक तो चलता है, फर्रा नहीं बनाते थे, लेकिन वैसे ही कभी इशारे से कोई बना दिया, बता दिया. ट्रेंड था फर्रों का. हमारे हमारे आगे थे बूटी. बूटी, यस, बूटी भी कहते हैं. फर्रे बूटी में मम्मी बताती थी मेरी कि उस उनके जमाने में तो गरारों के नीचे लिखे. यार ये एक बात मैं बताऊं, ये बिला वजह की बहुत मेहनत है, इससे अच्छा है बंदा पढ़ ले. ये तब समझ नहीं आती बेटा. अरे जब टाइम कम रह जाता है तो कितना पढ़ के कितना याद हो जाएगा. तो लेकिन ऐसा नहीं करना, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि पुराने हमारे माँ बाप ने भी की होगी ये चीज. वो अम्मी कहती थी गरारे पलट पलट के लड़कियाँ लिख के लाती. सोचो. अच्छा, तो तुम कहोगी 7 में से 5 स्टार्स. अगर माशाल्लाह से आप क्या ग्रेड करेंगे, आप क्या स्टार्स देंगे अपने? मेरा थोड़ा समंदरी सफर रहा है इस मामले में. मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में आई वॉज अ गुड 5-6 स्टार काइंड स्टूडेंट. ओके, बहुत अच्छा. मैं 5 और 6 मतलब कभी 5 कभी 6. हाँ. मैं अगर पोजीशन होल्डर थोड़ा पीछे भी होता था पर नंबर बहुत अच्छे आते थे. अच्छा. कुछ 70% टाइप आ जाते. हाँ. थे. फिर मेरे घर वालों ने मेरे साथ एक जुल्म किया. उन्होंने मुझे जो सब्जेक्ट्स में मैं सबसे कमजोर था, एक तो ये माँ बाप को चाहिए नहीं किया करे, समझा करे बात को, कि मेरा जो वीकेस्ट, यू नो, आई एम समबडी जिसको मैथ्स नहीं समझा. आई एम गुड विद आर्ट्स. इंग्लिश वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. उर्दू अच्छा, जबरदस्त. इस्लामियात में नंबर आ जाते, पाकिस्तान स्टडीज में बड़े अच्छे नंबर आ जाते. तो थ्योरी में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन हिसाब किताब का मेरा कोई लेना देना था नहीं. और मुझे जालिमों ने फर्स्ट ईयर में ICS में डाल दिया, जिसके अंदर मेरे मेजर सब्जेक्ट्स में था मैथमेटिक्स और स्टैट्स. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट ईयर में ही दोनों में फेल हो गया. और तो मुझे बहुत ही स्टार कहाँ गिरा फर्स्ट ईयर में? हाँ, एग्जैक्टली. तो मैं बहुत मतलब मेरा दिल टूट गया. हाँ, बड़ा रोया हुआ. और हाँ, मैं कभी फेल नहीं हुआ लाइफ में. हाँ, और फिर मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, मेरे बड़े अच्छे नंबर आए. फिर मुझे आया गुस्सा. तो मैंने जब ग्रेजुएशन किया. हाँ, तो मैं फर्स्ट ईयर में अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में थर्ड आया एकेडमिक्स में, और साथ में मुझे मिला अवार्ड फॉर माई परफॉर्मेंसेज इन एक्टिंग एंड म्यूजिक. जोश आ गया भाई को, जोश दिलाने की देर है बस. फिर जब दूसरी बार मैंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए. हाँ. तो बहुत ही अच्छे नंबरों से मैं पास हुआ. सो फिर आप अपने आप को 6 इसलिए दे रहे हैं? मैं तो 7 दे सकता हूं. कभी 5 कभी 6. ओके, अगला सवाल. अम्मी अब्बू की बात मानने के हवाले से आप अपने आप को कितने स्टार देंगे? क्या कभी आपकी अम्मी अब्बू ने बताया कि आपने एड़ी रगड़ रगड़ के फलानी चीज की फरमाइश करके रोई है आप किसी मॉल के बाहर या दुकान के बाहर? नहीं, मतलब अम्मी अब्बू की बात मानना ना, मानने में अपने आप को क्या स्टार देंगे? डिपेंड करता है ताबेदारी में. डिपेंड करता है कि कौन सी बात मनवाई जा रही है. तो नहीं, वो ओवरऑल मतलब बचपन में काम करते हैं ना. ओवरऑल आई वुड से हां, आई वाज अ गुड चाइल्ड. हां हां, रिवाइंड करना पड़ा है पता है बहुत कुछ. 6 भाई बहुत तंग करता था मेरे अम्मी अबू को. मैं बहुत अच्छी बच्ची थी. अच्छा, तो 6 सही है. 6 बिल्कुल सही है. हाँ भाई आगा, यहाँ क्या कहानी चल रही है स्टार की? मैं जी बड़े फखरिया पेशकश है मेरी कि मैं तो 7 ही नंबर. मैंने
मतलब होता है ना बच्चे तंग इस तरह करते हैं, खो जाते हैं माहौल में, ये इसके लिए आगत वालदा को फोन करना पड़ेगा। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं ही तंग हुआ हूँ, अगर हुआ हूँ तो मैंने नहीं किया किसी को तंग। ये तो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह भी जानता है ये बात के नहीं, बट ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, मैं आई डोंट रिमेम्बर, जब मैं बहुत ही छोटा था तो मुझे नहीं याद, तब मैं कर देता हूँ कोई ऐसी वैसी हरकत, बट एज फार एज आई रिमेम्बर, शऊर आया, शऊर तो मुझे आ गया था वैसे 5-6 साल की उम्र में। तो फिर 7 स्टार दे रहे हो तुम, 7। हां हां, आई बीन अ गुड किड, आई मीन आई बीन वेरी वेरी नाइस। पता नहीं कब मिलूंगी मैं तुम्हारी अम्मी से, इंशाल्लाह जल्दी, मुझे वो है, एक ख्वाहिश है मेरी, जब भी आप और यासिर भाई अगली बार लाहौर आ रहे हैं मैं खुद आ जाऊंगा। शो पे नहीं मिल सकती, बेस्ट से मिलना मुझे बहुत जरूरी है। हां भैया, बहुत जिक्र होता है उनका और उनको हिचकियां आती होंगी बहुत। ओके, बहन भाइयों किस मतलब के हवाले से, उनका साथ देने के हवाले से, उनकी हेल्प करने के हवाले से, उनको अम्मी अब्बा से पिटने से बचाने से, उसमें आप अपने आप को कितना स्टार देना चाहिए? हंस क्यों रहे हैं आप? मुझे आ गया, याद आ गया। भाई देखो, इसके अंदर ना मैं 7 स्टार भी नहीं दूंगी अपने आप को, मैं दूंगी 10 स्टार। हाँ, क्योंकि आई एम अ फैंटास्टिक सिस्टर। तुम्हारे जैसे हमारी कोई बहन नहीं हम सोच सकते थे, तो मेरे तो 10 भाई है तुम्हारे ना, मुझे पता ही नहीं। दो, और बहन नहीं है कोई? नहीं, मेरी बहन नहीं, इकलौती बहन ले उड़ा आगा ने कहा, मेरे तरह कभी सोचा ही नहीं था, आज रियलाइज हो गया। अच्छा, दो भाई हैं। हाँ। और दोनों की शादी हो गई माशाल्लाह? एक की शादी हो गई है, एक ही अभी हमें तो बड़ी खुश थी मेरी भाभी यार, मतलब मुझे हाँ। लगता है कि भाभी बड़े ही फैंटास्टिक एडिशन हुआ है हमारी फैमिली में, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि तुम्हारी बहन नहीं थी ना, तो बहन नहीं होती और मेरी भाभी की ये 5 बहने हैं, तो ये कहती है कि भाई छठी बहन हमारी हिना है। अच्छा, तो वो एक बड़ा हमें अच्छा लगता है कि घर में एक लड़की आई है, तो उसका टेस्ट और उसकी चीजें तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वाह भाई जबरदस्त, वरना मैं, मेरी अम्मी और 3 मर्द घर में, तो तुम्हें 10 तुम कह रही हो, मैं 7 में से 7 भी नहीं, 10 स्टार। चले भाई, यहाँ क्या कहानी आपकी, एक बहन और एक भाई है, ये मुझे पता है, सही है ना? तो अब आप फोन नहीं, मैं अच्छा था जी, मैं मिला मैं वैसे ही था, वे जो कहते हैं ना बीच का जो होता है ना, हाँ। भाई बहन अगर हो, 3 है हम ना, हाँ। तो मैं, एक मेरे से बड़ा है और एक मेरे से छोटी बहन है, तो मेरी जगह ही कुछ ऐसी थी कि उसके लिए मुझे आई वॉन्टेड बी द हेल्पिंग हैंड, पर यहाँ आगा साहब भी मेरे बड़े शरारती रहे हैं अपनी भरपूर अल्लड़ वक्त में, कॉलेज वॉलेज में, तो आगा को तो मैंने बहुत बचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बचाया है, कभी कूटा भी है, भाइयों में बड़ी आपस में लड़ाई नहीं, कभी हमारे बीच में ऐसे कभी कोई हाथापाई नहीं हुई। हाँ। हम थोड़े मेलो रहे इस मामले में। अच्छा, हम अल्फाज की बहुत जंग कर लेते थे यार, मेरी तो अपनी बहन से बड़ी बाल खींचने वाली लड़ाई नहीं, 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 बहनों के दरमियान बहुत होती है ना, नाखून में उसको गाड़ देती थी उसके मुंह पे, और मैं आगा, क्योंकि मेरा आगा है तो 3-3.5 साल का फर्क, बट आगा वॉज ऑन अ हेल्दियर साइड, मैं बहुत ही दुबला पतला होता था, तो मुझे डर भी लगता था बचपन में। हमारे भी यही कहानी थी माशाल्लाह, आपने मेरी बहन जो दूसरी वाली है तो या, या। और मैं बचपन में आगा को आई यूज्ड टू कॉल, अब तो हम आगा बोलते हैं दोनों एक दूसरे को, पर मैं अली भाई कहता था। हाँ। तो एक थोड़ा वो रिस्पेक्ट बचपन में बहुत ज्यादा वो था, बड़े भाई क्या रेट करेंगे तुम्हें, स्टार क्या देंगे, मतलब एज सिबलिंग उठ के देखें आप, तो कुछ अंदाजा बताओ, कुछ क्या अंदाजा कहते, दे दे फिर 7-1 तो दे ही दे, मुझे 7 दे दे, अभी तक तो अच्छे जा रहे स्टार्स। ओके।